नमस्कार, महादेव की कृपा आप सब ऊपर बनी रहे। महादेव यानी शिवजी यानी भोलेनाथ के कई अवतार हुए हैं और उनके उन्हीं अवतारों में से एक रुद्र अवतार के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह अवतार तब हुआ था जब ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया, जबकि दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव से हुआ था। सती के पिता यज्ञ करवा रहे हैं, यह जानने के बाद सती ने भी वहां चलने के लिए कहा, लेकिन शिव ने बिना आमंत्रण के जाने से मना किया। फिर भी सती नहीं मानी और जिद करके अकेली वहां चली गई। अपने पिता के घर जब उन्होंने शिव का और स्वयं का अपमान अनुभव किया तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने यज्ञ वेदी में कूद कर अपनी देह त्याग दी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो उन्होंने क्रोध में अपने सिर की जटा उखाड़ी और उसे रोष पूर्वक पर्वत के ऊपर पटक दिया और फिर उस जटा से महाभयंकर वीरभद्र प्रकट हुए, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बस विनाश करना जानते थे। उनको हराना नामुमकिन था। शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है, कृतम सुदष्टपुटम सदृष्ट दुर्जटा तिडिंत हिंस प्रोग्रोचिशम उत्कृत्य रुद्रम सहस्तोतिथो हसम गंभीर नादो विसर्ज ताभुवि ततोतिकाय स्वनुवा स्पृशन दिवम। इसका अर्थ यह है कि सती के प्राण त्यागने से दुखी भगवान शिव ने उग्र रूप धारण कर क्रोध में अपने होठों को चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपट के समान चमक रही थी। सहसा खड़े होकर उन्होंने गंभीर अट्टहास के साथ जटा को पृथ्वी पर पटक दिया। इसी से भयंकर वीरभद्र प्रकट हुए। भगवान शिव के वीरभद्र अवतार का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह अवतार हमें संदेश देता है कि शक्ति का प्रयोग वहीं करें जहां इसका सदुपयोग हो। वीरों के दो वर्ग होते हैं, भद्र और अभद्र वीर। राम, अर्जुन और भीम वीर थे, रावण, दुर्योधन और कर्ण भी वीर थे, लेकिन पहला भद्र यानी सभ्य वीर वर्ग और दूसरा अभद्र यानी असभ्य वीर वर्ग है। सभ्य वीरों का काम होता है हमेशा धर्म के पथ पर चलना तथा निसाहियों की सहायता करना। वहीं असभ्य वीर वर्ग सदैव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं और कमजोरों को परेशान करते हैं। भद्र का अर्थ होता है कल्याणकारी, अतः वीरता के साथ भद्रता की अनिवार्यता इस अवतार से प्रतिपादित होती है। ये थी कहानी शिव जी के रुद्र अवतार वीरभद्र की। आगे इसी प्रकार की कहानियां हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।